मेरा नाम फारूक मसीह, बस्ती ईसा नगरी, चक नंबर 127 घर देगा, जड़ा वाला का रहायशी हूँ। सानहा 16 अगस्त सन 2023 को जो वाकया पेश आया, हमारे घरों को जलाया गिराया गया, उसमें मेरा घर भी शुमार था जिसको जलाया गया। और जे इस घर को जलाने वाले हमारे इर्द गिर्द के लोग थे जिन्होंने जलाया। और जब मैंने ये इनकी वीडियो देखी तो मुझे पता चला कि ये हमारे हमसाया जिन्होंने हमारे घर को जलाया। और इसके अलावा 6 मई सन 2024 को रात 10:30 बजे उन्होंने मुझे कनार रोड पर रोका और कहने लगे वीडियो डिलीट करो वरना जान से हाथ धोने पड़ेंगे। अचानक पीछे से कार आई और उसकी तेज लाइट की वजह से ये लोग आगे तरफ भाग गए और मैं जान बचाते हुए हाउसिंग कॉलोनी की तरफ चला गया। और जब मैं अपने घर पहुंचा तो 15 पे कॉल की कि इन लोगों ने मुझे हरासा किया है और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और इनके पास असला था और ये मेरे साथ ऐसा नारवा सलूक करना चाहते थे ताकि मैं अपने घर ना पहुंच सकूं। अब मेरी आला अफसरान से गुजारिश है कि ये लोग जितने भी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके मुझे तहफ़ फराहम किया जाए। और जो मैंने 15 पे कॉल की थी मुतलका थाना सिटी जड़ा वाला SHO साहब, उन्होंने मेरी बात को बगैर सुने हुए बगैर तस्दीक करते हुए ये मुझे बताया कि वो लड़का तो बाहर है, बाहर के मुल्क में चला गया दुबई में, आप उसको कैसे ये कह सकते हो। तो मैंने उनसे बोला सर आप इनका नंबर ले लें वेरीफाई करें, अगर ये इनके पास नंबर है तो मुझे इस वक्त मैं 40-50 लोग खड़े हुए थे, मेरे साथ मेरे पास्टर जाहिद सरफराज भी साथ खड़े थे, मैंने उनकी मौजूदगी में कहा अगर मेरे से ये लफज झूठे हों मेरे तो मैं अपनी हाथों से लिख के देता हूँ कि मैं अपना फोन भी माफ कर सकता हूँ, मुझे चौराहे पे लटकाया जाए, लिहाजा जे मैं अपने ईमान पे सच होने के साबित कदमी पे अभी भी खड़ा हूँ और मेरे साथ नारवा सलूक किया गया है, लिहाजा उस लड़के की जे आप जो दुरानी ट्रैवलिंग है दुबई वाली उसके डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाए और मुझे भी क्लियर किया जाए कि जे बाहर है, अगर जे बाहर है तो मैं अपने आप लिख के देने लिए तैयार हूँ कि जो भी मेरी सजा बनती है मुझे चौराहे पे लटका के दे दें। लिहाजा 15 पे कॉल करने के मकसद होता है तहफ़ फराहम करना। SHO साहब मुतलका सिटी जड़ा वाले ने बगैर सुने सुनाए मेरे पे उल्टा FIR कर दी और जेल भेज दिया और मैं कल 8 तारीख को शाम को 8:30 बजे घर जमानत करवा के घर आया हूँ और ये मेरी फैमिली और ये मेरा खानदान है, तो लिहाजा मुझे तहफ़ फराहम किया जाए। शुक्रिया।